पहले आयुष को देते हैं टेस्ट करने के लिए, ये सबसे छोटा है इसलिए आयुष को देंगे, उसके बाद आर्यन को देंगे, और एगो आप लीजिए। तो दोस्तों एगो हम भी ले लेते हैं, टेस्ट करते हैं किस तरह बना है, टेस्ट करके बताओ। बहुत टेस्टी है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले थोड़ा सा दूध गर्म होने देंगे। दूध गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा फूड कलर दे देते हैं, बस इतना ही थोड़ा सा डालना है। देखिए दूध का कलर कितना बढ़िया दिखा रहा है। अब ये दूध गर्म हो गया है, इसमें हम आधा किलो थोड़ा थोड़ा दीजिए, आधा किलो मैदा है, आधा किलो मैदा को हम इसी में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा कर, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, बस बस। अब इसमें थोड़ा सा और दूध लगेगा, थोड़ा सा और डालिए, बस बस हो जाएगा। दीजिए मैदा को दीजिए, बाकी बचा हुआ मैदा को डालेंगे इसी में। दूध के साथ मैदा को अच्छे से मिला लिए हैं, इसको उतार देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए देंगे, उसके बाद इसको डो बनाएंगे। मैदा को अच्छे से मिला लेना होगा। ये जो पीठा बनेगा दोस्तों, आज एकदम नई तरीके से बनाएंगे, और ये पीठा आप लोग कभी नहीं खाए होंगे, अगर खाए भी होंगे तो याद आ जाएगा आपको। ये पीठा बहुत ही बेहतरीन पीठा है, इसका नाम हम लोग रखे हैं दिल पीठा। पीठा के लिए पहले हम चीनी का सिरा बना लेते हैं, तो हम एक कटोरी चीनी लिए हैं, एक कटोरी पानी दे देंगे हम, इसका एक तर दो तर सीरा नहीं बनाएंगे। चीनी गलने तक हम इसको रखेंगे, उसके बाद इसको उतार लेंगे। मैदा को अच्छी तरीके से सान लिए हैं, एकदम मिला लिए हैं, अब इसको रेस्ट करने के लिए हम इसको आधा घंटा छोड़ देंगे। एक घंटा रखिएगा तो और बढ़िया रहेगा। हमारे किचन में दो अतिथि आए हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये आयुष है और ये आर्यन है, दोनों आया है। आर्यन और आयुष को पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे, और इस वीडियो में भी ये लोग आ गया है। आज ये लोग पीठा खाएगा और एंजॉय करेगा क्या। चीनी का सिरा बन गया है, इसको उतार लेते हैं। खीर कढ़ाई चढ़ा दिए है, दूध का खीर बनाएंगे। जब तक दूध का खीर बन रहा है तब तक मैदा आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे। देखिए दोस्तों इतना बड़ा बड़ा लोई बनाएंगे। इसको घुमा के दिखाएंगे।
का खीर बन के तैयार हो गया है, इसको ठंडा होने के लिए देंगे। देखिए ये क्रीम जैसा बन गया है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। लट्टू घुमा के आ गया तू लोग? हाँ आ गया। आ गया ना? हाँ, हमको भी मोबाइल मिल गया, अब हम भी वीडियो बना रहे हैं। बस तुम भी बनाएगा पूरा? बनाओ बनाओ। आज हमारे चैनल में तीन तीन कैमरामैन है। पहला वाला कैमरामैन ये वाला, ये दूसरा वाला ये वाला, और तीसरा वाला अंदर उधर है बाहर साइड। आज लगता है वीडियो को खास बनाना है। शायद शायद तुम तो कैमरा ओपन ही नहीं किया है जी। देखा कैमरा ओपन किया? कहाँ ओपन किया है? नहीं किया है। इधर लेके आओ ना। सोचता है नहीं तो क्या करेंगे? कहाँ बोल रहा है तू? सोचता नहीं है। कह रहे आर्यन को सोचता नहीं है ना? हाँ तो वीडियो शूट कर रहे हैं। मेट का वीडियो बन चुका है। हाँ एक मिनट के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और इस तरह हम इसको डिजाइन बनाएंगे। इस तरह मोड़ते हुए इसको डिजाइन बनाएंगे। राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद यहाँ थोड़ा सा पानी दे देंगे और यहाँ थोड़ा सा पानी दे देंगे। दोनों को चिपका देंगे और चिपकाने के बाद यहाँ थोड़ा सा इस तरह डिजाइन बना देंगे। दिल शेप का, दिल शेप का। ये देखिए दोस्तों किस तरह बना दिल शेप, देख सकते हैं। इसी तरह हम सारे पीठा को बना लेंगे। पिठा को छानने के लिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें सादा तेल डाल देते हैं। दिल पिठा बनकर तैयार हो गया है, अभी छनाएगा। ये पिठा को छानने के लिए तेल को हल्का गर्म करना होगा। तो तेल मेरा हल्का गर्म हो गया है, इसमें हम पिठा को डाल देते हैं। पिठा को बनाने के लिए एक बार नज़दीकी से आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए हम किस तरह बना रहे हैं पिठा। रोटी जैसा बेल लिए हैं, ऊपर में पानी डाल दिए हैं।
आप इसको इस तरह करके फोल्ड करना होगा। ये देखिए इस तरह फोल्ड करना होगा और इसको दबा देना होगा, फिर दोबारा इस तरह फोल्ड करना होगा, फिर इसको दबा देना होगा। अब ये जो निचला वाला हिस्सा बचा है, ये देखिए जो निचला वाला हिस्सा बचा है, इसको हम इस तरह से चिपका देंगे नीचे की ओर। अब इसको राउंड करेंगे और थोड़ा सा पानी लेकर के यहाँ देंगे और थोड़ा सा पानी यहाँ देंगे और दोनों को हम एक जगह मिला देंगे। और ये जो ऊपर वाला पोजीशन है इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे। बन गया ना दोस्तों दिल वाला पीठा। इसी तरीके से हम सभी पीठा को बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह पलट पलट के हम पीठा को फ्राई करेंगे। ये हल्का आंचों से करेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। इस तरह पीठा को उठा के हम सीधा चीनी का सिरा में डाल देंगे गरम गरम। ये दिल वाला पीठा को छान के ही गरम गरम सिरा में डालना होगा और उसको एक घंटा के लिए छोड़ देना होगा ताकि चीनी का जो सिरा है वो पीठा में अंदर तक चला जाएगा। बड़ी मम्मी जल्दी दीजिए, देख के खाने का मन कर रहा है। अभी गरम है रे, गरम गरम सीरा में डाले हैं, थोड़ा रुको। क्या कर रहा है आयुष? पानी डाल रहा है। कहाँ पानी डाल रहा है? सूख गया है, सूख गया है, सिर्फ पानी डाल रहा है। सूख गया तो पानी डाल दे रहा। फूल में? हाँ। अरे उसका जड़ में डालो पानी। तो दोस्तों ये सो गया है ये फूल, तो इसको हम जगा रहे हैं पानी दे करके। बस 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 जाग गया फूल। जाग गया यार वो, और कितना जगाएगा उसको, देखो जाग गया। हाँ जाग गया ना बाबू तुम। हाँ क्या बोल रहे हो जी तुम। सभी पीठा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको हम उठा लेंगे। दोस्तों ये पीठा का नाम है हृदय हरण पीठा, तो हम लोग इसका नाम दिए हैं दिल पीठा। आप देख सकते हैं दिल जैसा बना हुआ है। तो चलिए इसको हम चीनी का सिरा में डाल देते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना मजा आएगा, टेस्ट और बढ़ जाएगा। पिठा में खीर लगाने से टेस्ट दुगना हो जाएगा। वैसे भी खा सकते हैं। दिल पिठा बनकर रेडी हो गया है, अब इसको टेस्ट करेंगे। पहले आयुष को देते हैं टेस्ट करने के लिए, ये सबसे छोटा है इसलिए आयुष को देंगे, उसके बाद आर्यन को देंगे और एगो आप लीजिए। दोस्तों एगो हम भी ले लेते हैं, टेस्ट करते हैं किस तरह बना है। टेस्ट करके बताओ।
पीठा तो गजब का बना है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब, बहुत टेस्टी है दोस्तों। दिल पीठा बहुत ही टेस्टी है, इस तरीके से एक बार बना करके जरूर खाइएगा और कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि हमारा वीडियो किस तरह आपको लगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।